क्या सोचा था कि पढ़े लिखे आदमी से शादी होगी तो रानी बनकर रहूंगी, पर यहाँ तो नौकरानी से भी बदतर जिंदगी हो गई है। तो कहानी की शुरुआत होती है ऐश्वर्या अग्रवाल और उसके पति के रोमांटिक सीन से। ऐश्वर्या अग्रवाल यानी सरला और उसका पति राकेश, रात में राकेश बैठा अपने कॉलेज के बच्चों के रिजल्ट के बारे में सोच रहा था, तभी उसकी पत्नी सरला आ जाती है नाइटी में और अपनी पत्नी को देखकर उसका मूड बन जाता है और दोनों का कार्यक्रम शुरू हो जाता है और ये सीन काफी जबरदस्त होता है, आप लोगों को देखकर मजा आ जाएगा। एपिसोड 1 लगभग 22 मिनट का है और 15 मिनट तक आप लोगों को ये अच्छा सीन देखने को मिलेगा। अब कार्यक्रम खत्म होते ही दोनों के बीच तू तू मैं मैं होने लगती है। दरअसल दोस्तों राकेश को स्टूडेंट्स के पेपर रीचेक करना होता है तो वो जाने लगता है, लेकिन उसकी पत्नी सरला को और करना होता है। वो कहता है कि मुझे अपने स्टूडेंट्स के पेपर रीचेक करना है। सरला कहती है कि रीचेक करना है क्या फायदा उससे, वैसे भी तुम्हारी पगार तो बढ़नी नहीं है, जितनी है उतनी ही रहेगी। तो उसका पति राकेश कहता है कि तो तुम्हारी कम पगार के चक्कर में मैं अपनी टीचर की ड्यूटी करना भूल जाऊं, छोड़ दूं। सरला कहती है कि छोड़ भी दोगे तो क्या हो जाएगा, वैसे भी आपको पगार मिलती ही कितनी है। राकेश कहता है कि पैसा पैसा पैसा, तुम क्या जानो कि एक टीचर की रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है। सरला कहती है कि मैं सब समझती हूँ। राकेश कहता है कि हाँ सारी समझ तो तुम में ही है, हमने तो जिंदगी भर पापड़ बेले हैं, और उसको चिल्ला कर वहां से चला जाता है और सरला भी गुस्सा होकर सो जाती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि राकेश स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और सरला वहीं पर काम करते करते बड़बड़ा रही होती है। कहती है कि सोचा था कि पढ़े लिखे आदमी से शादी होगी तो रानी बनकर रहूंगी, पर यहाँ तो नौकरानी बनकर रह गई हूँ। तभी उसके पति का कलीग केशव वहाँ आ जाता है। राकेश कहता है कि आओ आओ अभी तो स्कूल जाने में टाइम है। केशव मिठाई का डिब्बा निकाल कर देता है। राकेश कहता है कि मिठाई का डिब्बा, खुशखबरी है क्या। राकेश सरला से कहता है कि अरे कुछ नाश्ता वगैरह का इंतजाम करो, तो केशव कहता है कि नाश्ता वास्ता छोड़, मैं चाहता तो तुझसे डायरेक्ट स्कूल में ही मिल सकता था, लेकिन मुझे भाभी जी को खुशखबरी देनी थी। सरला कहती है कि खुशखबरी, कैसी खुशखबरी। केशव कहता है कि मैंने कार ली है नई। राकेश और सरला ये सुनकर चौंक जाते हैं और खुश भी होते हैं। राकेश उसको बधाई देता है। सरला कहती है कि लेकिन आप तो इनके साथ इन्हीं के पोस्ट पर, फिर आपने कार कैसे ली। केशव कहता है कि मैंने आप लोगों से बताया था ना कि मैंने प्राइवेट ट्यूशन स्टार्ट किया है। सरला कहती है कि प्राइवेट ट्यूशन, उसमें इतने पैसे होते हैं। तो केशव कहता है कि अगर पार्टी तगड़ी हो तो पैसे अच्छे मिलते हैं। सरला कहती है कि आप इनके लिए भी कोई तगड़ी पार्टी ढूंढिए ना। केशव कहता है कि एक तगड़ी पार्टी तो है, सरिता मैम बहुत बड़ी इंडस्ट्री की मालकिन है, उनकी बेटी और उनका भतीजा है पढ़ाने के लिए, अगर तू कहेगा तो मैं बात करूंगा। सरला कहती है कि हाँ हाँ आप बात करिए, अभी करिए। लेकिन राकेश कहता है कि ऐसी बात शांति से बैठकर की जाए तभी अच्छा होता है। केशव कहता है कि चल ठीक है, आज क्लास से छूटने के बाद मैं बात करूंगा, अब चला लेकर चलता हूँ तुझे अपनी नई कार में, आ जा। और फिलहाल तो दोस्तों ये एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों इसके आगे के एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।